सिद्धार्थनगर जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित योग कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने शिरकत की। जनपद मुख्यालय के जिला स्टेडियम में आयोजित योग कार्यक्रम में सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक व पूर्व मंत्री जय प्रताप सिंह, विधायक विनय वर्मा, श्याम धनी राही ने करीब 1 घंटे तक योगाभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कामयाब करने को लेकर जिला प्रशासन ने काफी मेहनत की थी। जिला स्टेडियम पर लोगों की भारी संख्या में उपस्थिति को लेकर हर तरह के इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है और आज जिस तरह से पूरी दुनिया में योग को लेकर के लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है, उसे योग की महत्ता को आसानी से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब से मोदी सरकार आई है तब से योग को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं उसका असर अब दिखने लगा है। आम जनता योग को लेकर के काफी जागरूक हो गई है। योग के माध्यम से हर इंसान निरोग बन सकता है। उन्होंने कहा कि इस बार यूनिटी का जो थीम है उसके माध्यम से इंसानियत की सेवा बिना किसी भेदभाव के की जा सकती है। हाथ नीचे, चार पैर नीचे। मैंने तो जैसे कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि आज दूसरी बार मेरा यहाँ पे आना हुआ है और आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं उपस्थित हूँ और सभी के साथ योग किया है। मैं तो वैसे नियमित तौर पर योग करता भी हूँ लेकिन आज सबके साथ में और ख़ासतौर से 21 जून योगा दिवस के अवसर पर आज आपके बीच में सभी के साथ मैंने योगा किया, मुझे बहुत खुशी है। और सिद्धार्थनगर आता हूं तो लगता है कि भगवान बुद्ध की धरती पे आया हूं, मेरा सौभाग्य है। और मैं जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से योग दिवस पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में अब हर जगह योग दिवस मनाया जाता है, मुझे खुशी है कि लोगों के प्रति जागरूकता आई है योग के प्रति। और जिस तरीके से लोग जागरूक हुए हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति कि हमें रोज़ नियमित तौर पर योग करना है, आज लोगों चाहते हैं कि हम सुबह सुबह अपने आप कोई व्यायाम ऐसा करें जिससे हम स्वस्थ रहें। तो योग एक ऐसा माध्यम है जो जिसको करने से हम स्वस्थ भी रह सकते हैं और अपने जीवन शैली को भी सुधार सकते हैं। जो थीम था योग फॉर ह्यूमैनिटी, तो ये सार्थक कैसे हो? देखिए, ह्यूमैनिटी क्या है? ह्यूमैनिटी है कि हम कैसे अपने सभी को एकजुट साथ में लेके सबको साथ में रख के आगे बढ़ें, अपने देश में भी विश्व में भी सब लोग एकजुट होके ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाएं। और योग एक ऐसा माध्यम है जिसको जो ना किसी धर्म संप्रदाय से होता है, योग तो हर व्यक्ति करता है, तो इस योग के माध्यम से हम पूरी ह्यूमैनिटी को एकजुट कर सकते हैं और सबको एक साथ में लेके चल सकते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।